अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ एन अदर व्लॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी, ये ईद का व्लॉग है और मैं इसको काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ बिकॉज़ मैं कुछ दिनों से थोड़ा बिजी थी जिसकी वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। और ये थी मेरी ईद इंग्लैंड में। बहुत सारा कुछ मैंने इसमें कैप्चर नहीं किया, बहुत सारा कुछ मैं नहीं कर पाई ड्यू टू सम रीज़न्स जो कि मैं यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। और अभी लेटर ऑन मे बी, तो उसकी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की थी और अकॉर्डिंगली वो मैंने सब इसके अंदर इंक्लूड कर दी हैं। ये था एक छोटा सा फेस्टिवल जो कि ईद से 2 डेज़ बिफोर लगना स्टार्ट हो जाता है। आप इसको चांद रात मेला कह लें या कुछ भी ऐसा, इसके अंदर डिफरेंट स्टॉल्स लगाए हुए होते हैं। कुछ लेडीज़ ने ना अपने स्टॉल्स लगाए हुए होते हैं, जैसे ये वाली जो लेडी थी इसने यहाँ पे कुछ दुपट्टास, कुछ शॉल्स लगाए हुए थे, ज्वेलरी लगाई हुई थी और उसके साथ छोटी छोटी और चीज़ें थी। कुछ टॉयज़ वाले स्टॉल्स थे, कुछ अबायास वाले थे, कुछ फूड वाले थे, स्पेशली कुछ मेहंदी के स्टॉल्स भी थे। तो मैं मेहंदी लगवाने के लिए गई तो थी, लेकिन मेरे साथ मेरा बेटा है अजलान जो कि 1 ईयर का है, और उसकी वजह से मैं डेफ़िनेटली अपने आप को इतना टाइम नहीं दे पाती। वो लेडीज़ जिनके बच्चे थोड़े बड़े हैं या जो अभी सिंगल हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, तो वो अपने आप को इस किस्म की पैम्परिंग अकॉर्डिंग टू टाइम दे पाती हैं। मेहंदी मुझे बहुत पसंद है, शादी से पहले से बहुत पसंद है, लेकिन शादी के बाद और स्पेशली जब आप आउट ऑफ कंट्री ऐसे इवेंट्स और फेस्टिवल्स जो है वो सेलिब्रेट कर रहे होते हो, तो आप उस तरह से अपने आप को नहीं टाइम दे पाते जिस तरह से पाकिस्तान में प्रिपरेशंस की जाती हैं। स्पेशली वहाँ ईद भी लगती है और ईद अपनों के साथ ही होती है, अकेले में तो ईद का कोई मज़ा नहीं होता। यहाँ पर छोटी ईद पर भी ऐसा ही होता है, ईद से 2 डेज़ बिफोर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के स्टॉल्स लगने लग जाते हैं। स्पेशली मैं जिस एरिया में रहती हूँ वो एरिया में मैक्सिमम जो है वो एशियंस लोग रहते हैं, स्पेशली मुस्लिम। आप यहाँ पे देख सकती हैं कि यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ हैं वो सब अबायाज़ में हैं, और जितना भी यहाँ पे गैदरिंग है उसमें मैक्सिमम जो लेडीज़ होती हैं वो सारी डेफ़िनेटली मुस्लिम्स ही होती हैं, क्योंकि उन्हीं का इवेंट है और वही सेलिब्रेट करने के लिए निकलती हैं। लेकिन मैं जिस एरिया में रहती हूँ उस एरिया में मैक्सिमम कम्यूनिटी जो है वो मुस्लिम्स की ही है। कुछ सूडान से बिलोंग करते हैं, कुछ इंडिया से, कुछ पाकिस्तान से, कुछ बांग्लादेश से। तो यहाँ पर डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए थे रोड पर ही ना, रोड साइड पर छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए हुए होते हैं लेडीज़ ने, तो वो मैं देख रही थी। बहुत बहुत खूबसूरत मेहंदी लगा रही थी वो, कुछ को तो मैंने कैप्चर किया था परमिशन लेने के बाद। ये कुछ शॉप्स के बाहर स्टॉल्स लगे हुए थे, कुछ गिफ्ट्स रैप करके रखे हुए थे गेट टुगेदर के लिए, आप अपने फ्रेंड्स को और फैमिलीज को दे सकते हैं। और बस इसी तरह ये था बुध का दिन ईद से एक दिन पहले। एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी है जो कि सऊदीया के साथ ईद करती है, और बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी है स्पेशली जो ये पंजाब वाली साइड के लोग हैं ये करते हैं पाकिस्तान के साथ ईद। तो इसलिए ये था बुध का दिन वेनसडे का, और अगले दिन थर्सडे को जो है वो ईद थी। और उसके बाद हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए, एक बांग्लादेशी रेस्टोरेंट था, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ पर आके खाना खाने का। तो इनका खाना बहुत बहुत मज़ेदार था, इसमें कोई शक नहीं है। इनके स्पाइसीज और इनका टेस्ट जो है वो दूसरे खानों में डिफरेंट होता है कि आपको खाते पता चल जाता है कि ये जो है इनके कुजींस हैं। ये थे इनके स्पेशल स्वीट्स, जिस तरह से हम लोग इसको खोया कह सकते हैं। अब मुझे इसका एग्जैक्टली नेम नहीं याद, इसका एग्जैक्टली नेम क्या था, लेकिन इसको पेड़ा टाइप करके कुछ वो प्रोनाउंस कर रहे थे, लेकिन ये बहुत बहुत मज़े का था। गर्मा गर्म जलेबी
वैसे तो मुझे जलेबी पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक टू मच स्वीट्स, बट जो मेरे साथ थे लोग उन लोगों को मीठा पसंद है, तो उनके साथ मैंने भी थोड़ा सा टेस्ट कर लिया था। तो ये है नेक्स्ट डे, ये है ईद की मॉर्निंग। हम लोगों के घर के पास एक बहुत बड़ा पार्क है जहाँ पे बर्मिंघम की बहुत बड़ी जमात होती है ईद के दिन, तो बस ये मैं उधर ही जा रही थी कैप्चर करने के लिए। बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ पर ईद की नमाज़ अदा करने के लिए, और फिर उसके बाद यहाँ पर लोग जो हैं वो फुल फुल डे यहाँ पे अपना घर से खाना ले आते हैं, लाइक पिकनिक की तरह ना यहाँ पर फुल डे स्पेंड करते हैं। बच्चों की कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, यहाँ पर फ़न फेयर लगता है जिसमें बहुत सारे स्विंग्स लगते हैं। और बर्मिंघम में तो ये सिस्टम मैंने यहाँ पर अपने इस एरिया में नहीं देखा, लेकिन कुछ दूसरे सिटीज़ में मैंने ये चीज़ देखी है कि आफ्टर ईद वो आपको खाना भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बस मैं ये जा रही थी देखने के लिए, और यहाँ से ही सुबह सुबह थोड़ा सा फील आने लगा था ईद का इंग्लैंड में, क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान में सुबह सुबह जब आप उठते हो ईद ईद के दिन, तो आपको तकबीर की आवाज़ सुनाई देती है। ये एक ऐसी फीलिंग थी जो कि सिर्फ पाकिस्तान की याद दिला रही थी, और जो जिस जिस चीज़ को सुनकर ये लग रहा था कि आज ईद का दिन है। वैसे तो पूरा दिन यहाँ पे कुछ खास नहीं होता, सिर्फ ये वाला जो एक इन्वायरमेंट होता है ये जो प्रोवाइड करते हैं, थैंकफुल टू देम जो ये हम लोगों को मुस्लिम कम्युनिटी को ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं कि जिससे हम लोगों को ईद ईद लगती है। तो यहाँ अभी ये सब लोग जो हैं वो जमा हो रहे थे, ईद का टाइम वैसे 8:30 था मॉर्निंग में, लेकिन एक एक्सीडेंट हो गया था किसी रोड पे जिसकी वजह से वहाँ ट्रैफिक काफ़ी ब्लॉक थी, तो इन लोगों ने जो है वो 1/2 आवर जो है इसको थोड़ा आगे कर दिया था, और अभी सिर्फ जो है ये गैदरिंग हो रही है। इधर वाली साइड पे लेडीज़ होंगी और इनके अपोजिट साइड पे वो आगे वाली साइड पे जो है सारे मेल्स नमाज अदा करेंगे। तो ये जो लेडी रेड कलर की बास्केट लेके जा रही है ये लाइन टू लाइन जाएगी, और ये जो हम सदका और फितराना और खैरात वगैरह देते हैं ये हर एक के पास लेकर जाती है अपनी बास्केट। इसके ऊपर कुछ ना मशीन्स और उन्होंने इंसर्ट की भी होती हैं, कोई कार्ड से देना चाहता है बैंक कार्ड से, कोई आपको कैश में देना चाहता है, तो रो टू रो जाती हैं, पर्सन टू पर्सन। तो फिर जिसने जैसे देना होता है वो फिर इसमें चंदा डाल देता है अपनी हैसियत और तौफीक के मुताबिक। अभी बस लोग आ रहे थे आ रहे थे, और ये जो नीचे वाइट कलर की लाइंस लगी हुई हैं ये प्रेपरेशंस होती हैं जो ईद से 1-2 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाती हैं इस ग्राउंड में। एक्चुअली वो लोग अपनी मशीन्स ले आते हैं, और जहाँ जहाँ पर घास थोड़ा सा सेटल करने वाली होती है वो पूरे ग्राउंड में पहले उसको ग्रास को अच्छे तरीके से सेटल कर देते हैं, फिर उसके ऊपर ये लाइंस वाइट कलर के, आई डोंट नो कि वो किस मटेरियल के साथ जो है वो लाइंस लगा देते हैं, और हर बंदा जो है वो अपनी अपनी रो में जो है वो फिर नमाज अदा करने के लिए अपने अपने घर से जाय नमाज ले आता है। और ये थी ईद की नमाज जो कि स्टार्ट हो चुकी थी, यहाँ पर मेल्स थे और पीछे फीमेल्स थी। माशाल्लाह ये सीन आपको इतनी आपकी आंखों को ठंडक देता है और आपका दिल इतना खुश होता है देख के कि अपनी सरजमीन से दूर भी आप इस यहाँ पर भी एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि आपको एहसास दिलाती है कि हाँ आज के दिन जो है वो सब मुसलमान मिलके ईद की नमाज़ अदा करते हैं। और जिस तरह से बहुत खूबसूरत था ये सारा सीन, और बहुत उस वक़्त दिल को सुकून भी दे रहा था और एक खुशी भी महसूस हो रही थी कि हाँ आज ईद है। बेसिकली यहाँ पर स्लॉटर हाउसेस बने हुए होते हैं, आप सिर्फ जाके अपने ऑर्डर्स दे देते हैं ईद से कुछ दिन पहले, कुर्बानी के लिए आप अपने सबमिशन दे देते हैं, और फिर ईद के दिन आपके डिलीवरी एड्रेस पे वो लोग जो हैं वो आपको डिलीवर कर जाते हैं। तो बस ये थी मेरी ईद, और इतना सा बस मैं कैप्चर कर पाई आप लोगों के लिए। सो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।